सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार जी। धर्मेंद्र जी कहाँ से आए हो? लुधियाना पंजाब से जी, वैसे तो मैं प्रतापगढ़ यूपी का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं कोई भक्ति नहीं करता था, कभी वैसे ही जो है मंदिर चले जाता था या वैष्णो देवी चले जाता था, उसके अलावा मैं कोई भक्ति नहीं करता था। सर जब आप कोई भक्ति करते नहीं थे, भगवान को आप मानते नहीं थे, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े? जी सर, बात ऐसी थी कि जो है मैं नशा बहुत करता था, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले नशा बहुत करता था, तो ये हमारे बगल में जो है संत रामपाल जी महाराज के जो है शिष्य रहते हैं, तो उन्होंने जो है सत्संग के बारे में मुझे बोला कि सत्संग सुनो, ऐसे ऐसे गुरु जी हैं उनके, तो हमने जो है सत्संग उनका उनके कहने से सत्संग सुना, तो सत्संग सुना तो उस दिन भी भांग खा रखी थी, भांग खा रही थी, इस करके मेरे को बहुत ही जो है बढ़िया लगा सत्संग उनका। और उसके बाद से जो है हमने बोला भाई इंटरव्यू सुना, उसके बाद हमने बोला अगर जिंदगी में शक्ति है तो एक जो है हमारी घरवाली को डिलीवरी होने वाली थी पहले, तो अगर जो हमारे पास उस समय पैसे कोई नहीं थे, 3-4 हज़ार रुपये तो आम बात है, बाकी वैसे कोई पैसे नहीं थे, तो हमने मन मन में ही सोचा कि जो है अगर चीन में शक्ति है तो हम क्यों ना जो है आजमा लेते हैं, तो हमने जो है आजमाने के लिए बोला कि अगर आपके अंदर शक्ति है तो जो है हमारी घरवाली को डिलीवरी होने वाली है, आप जो है 4-5 हज़ार रुपये तो कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता है नहीं, तो ठीक है जी ऐसे हुआ और हफ्ता दिन में जो है डिलीवरी हुई। उसके बाद से उधर से घरवाली का फ़ोन आया कि जो है पैसे भेज दो, और ऐसे ऐसे हो गया है। मैं कहा जी कितने भेज दें? कहते 5,000। मैं कहा ठीक है जी। उसके बाद से भेज दिया, उसके बाद से घरवाली कहती जी 3,500 रुपये लगे हैं। मैं कहा जी बहुत बढ़िया जी, मैं कहा जैसे बोला था वैसे हो गया, तो फिर मैंने जो है चले गया जी उनके साथ में, गया जो आश्रम सतलोक आश्रम बरवाला में, नाम दीक्षा ली 2013। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने एक परीक्षा के माध्यम से ली जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी खड़े उतरे, सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और भी कोई लाभ मिला आपको? हाँ जी जरूर मिला जी। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद जो है ऐसा था कि ये हमारी घरवाली को जो उसके बाद से जो है 1.5 साल बाद जो है गर्भ खराब हो जाता था, तो उसने नाम नहीं ले रखा था, तो जो है ख़राब हो जाता था, फिर मैंने उसको बोला कि ऐसी ऐसी बात है जो है नाम दीक्षा ले ले तभी सही होगा, तो उसने बोला कि नहीं मैं नहीं लूँगी, नहीं मानती थी, मुझे भी करने में दिक्कत आती थी, तो किसी तरह जब 3-4 बार गर्भ खराब हुआ उसको जो ज़्यादा जो है ये हुआ कि जो है नहीं अब लास्ट पोर्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी दवाई कराया, गाँव भी ले गया, भूत प्रेत भी जो है सब कुछ दिखाया, कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद से लास्ट पोर्शन हो गई, जब उसको पता लगा अब नहीं बचूँगी, तब उसने बोला कि हाँ आप जहाँ आप कह रहे हो वहाँ मैं चलूँगी, तब जाके संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए जो है, और उसके बाद से उसने नाम लिया। उसके बाद से जी नाम लेते ही उसका जो है दूसरे तीसरे दिन ही सारी समस्या सही हो गई, और उसके बाद जो है एक और लाभ मिला जी हमारे उसी दौरान में हमारे बच्चे को जो है, क्योंकि हमारा बच्चा जो है 3 साल का हो चुका था, 2.5 साल का, तो उसके जीभ में जो है गांठ हो गई थी यहाँ पर आगे, तो उसके लिए भी मैंने जो है लुधियाने में जो है काफ़ी इलाज कराया, गाँव भी ले गया इलाज कराया, उसका कोई जो है यही होता था कि सुई दवा करते थे डॉक्टर, पर कोई भी उसका असर नहीं पड़ता था, 2-3 दिन आराम होता था फिर वैसे हो जाता था, तो परेशान हो गया था, फिर जो है बच्चे को भी नाम दिलाया साथ में ही भक्तमती के, तो जो है उसका भी जो है मैं देखा सभी डॉक्टर पास जाता था क्योंकि आराम नहीं होता था, तो तीसरे दिन जो है डेली चेक करता था, उस बार नाम दिलाने के बाद मैं भूल गया, फिर तीसरे दिन ये ध्यान आया कि मैं जो है चेक करता हूँ गांठ कम हुई कि नहीं हुई, जब देखा तो जो है परमात्मा की दया हुई इतनी संत रामपाल जी महाराज की कि जो है गिलती भगत जी वो रही नहीं, क्योंकि उससे पहले डॉक्टर ने बोल दिया था कि जो है ये लड़की का जो है ऑपरेशन करना पड़ेगा जीभ में, तो उसके बाद भगत जी गिलती रही ना, आज तक नहीं रही। जो आप नशा के बारे में बता रहे थे वो कैसे छूटा आपका नशा? सर जी ऐसे हुआ था कि हम नशा बहुत करते थे, नशा सर जो है क्योंकि हमारा पेंट का काम था, मशीनें पेंट करता था, तो उसमें जो है नशा बहुत करते थे, नशा करते करते फिर वो हमारे बगल में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले, उन्होंने बोला कि तुम सत्संग सुनो और तुम्हारा नशा जो है कम होगा, और नशा ऐसा करता था कि अगर फैक्ट्री से निकलता था तो 2 ठेके पड़ते थे रास्ते में, तो ये होता था एक जगह नहीं दूसरी जगह रुक के जरूर पीता था, डेली का नियम था, अब पी के जो है रास्ते में गालियाँ देना इधर उधर बहुत ज़्यादा जी, तो जाके उनके कहने से जो है हमने संत रामपाल जी महाराज से कहने से जो है हमने जो है नाम दीक्षा लिया, उसके बाद मेरा नशा छूट गया जी, वो दिन है आज के दिन है कोई नशा नहीं जी।
सर, नशा छुड़वाने के लिए सरकारें बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आती हैं और भी एनजीओज के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोले जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग नशा नहीं छोड़ पाते हैं। बहुत सारे लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके बावजूद भी वो अपना नशा नहीं छोड़ पाते हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा छुड़वाने के लिए आपसे कितने पैसे लिए? जी हमसे कोई पैसे नहीं लिए जी, हमसे कोई पैसे नहीं लिए। मैं कहता हूँ जी, नाम लेते ही जो है हमारा दूसरे, मैं कहता हूँ जैसे कि हम एक जगह एक ठेके से दूसरे ठेके पे जाके जरूर पीते थे, लेकिन उसके बाद से तो ठेके से ऐसे होता कि जितनी जल्दी गाड़ी भगा लूँ, पर जो है कोई मतलब इतनी ज़्यादा स्माइल आती है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी हमारी क्या वो है, लेकिन जो है फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में यही कहना चाहता हूँ जी कि लोगों से कि जो है जल्द आके जो है नाम उपदेश लें और अपना कल्याण करें। जी धन्यवाद। नमस्कार जी।